डियर डायरी, आदाब। आज मैं ये रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि मेरा इस्लाम क्या है। इस मौके पर, इस पॉइंट पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा उन लोगों से जो कि इस्लाम के अपने वर्जन के बारे में सेंसिटिव हैं, जो ये मानते हैं कि उनका अपना वर्जन ही सही इस्लाम है, वो बराह करम इससे आगे ना देखें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इस्लाम आपके इस्लाम से बहुत अलग है और गालिबन आपको मेरी बात पसंद भी नहीं आएगी। तो बराह करम आप इस वक्त इस वीडियो को देखना बंद कर दें। दूसरे लोग जो सुनना चाहते हैं कि मेरा इस्लाम क्या है, उनको मैंने चंद सुतूर लिखी हैं, पढ़कर सुना देता हूं। तो मेरा इस्लाम क्या है? नंबर एक, अपनी हस्ती को, अपनी अना को उस हस्ती में जम कर देना जो के कायनात को चलाती है, यानी खुदी की नफी करना, खुदी की नफी करना, उसको जम कर देना उस हस्ती में जो के कायनात को चलाती है। आप उस हस्ती को जो भी चाहे नाम दे सकते हैं, अल्लाह भी दे सकते हैं, गॉड दे सकते हैं, ईश्वर दे सकते हैं, कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं। नंबर दो, उसकी कायनात को समझना, यानी उसकी मंशा को समझना। तो नंबर दो है, उसकी कायनात को समझना, यानी उसकी मंशा को समझना, यानी इल्म का तालिब होना। तो नंबर एक था खुदी की नफी करना, नंबर दो है इल्म का तालिब होना। नंबर तीन, अपनी चाहतों को दूसरों की चाहतों के मसावी रखना, यह हुआ नंबर तीन। तो नंबर एक, अपनी खुदी की नफी करना, नंबर दो, इल्म का तालिब होना, नंबर तीन, अपनी चाहतों को दूसरों की चाहतों के मसावी रखना। यह है मेरा इस्लाम, या इस्लाम का वो वर्जन जो मैं फॉलो करता हूं या फॉलो करना चाहता हूं। सिर्फ तीन, उसके आगे कुछ नहीं। फिल वक्त, शुक्रिया, आदाब डियर डायरी।